Hello students, this is one more problem where the journal entries already I have taught it to you. I am going to prepare a balance sheet. I am going to prepare only a balance sheet. It is assumed that y'all have understood all the journal entries. If you pass the journal entries, then only y'all can prepare a balance sheet. If you don't know the first step, you cannot go to the second step. Hope this is clear. Concept clear hai kya? Sandeep Limited करके एक problem कराया था, जिसका journal entries मैंने कराया था, वो फटाफट निकालो. Sandeep Limited के journal entries सामने रखो और video देखते रहो. Working note के लिए इतनी सी जगह है मेरे पास, ज्यादा जगह नहीं है. यहाँ पे मैं working note बनाता हूँ, rub करते जाता हूँ, फिर working note लिखते जाऊंगा. पॉज करके कॉपी करते जाना, बराबर है? स्टार्ट करते हैं. असेट साइड इजी है कि लायबिलिटी साइड? कोई भी बोलेगा कि सर असेट साइड जर्नल एंट्री पास करना भी इजी है, पोस्टिंग करना भी इजी है. तो चलो संदीप लिमिटेड का असेट साइड देखते हैं. असेट दिया हुआ है बैलेंस शीट में. पहला असेट, सबसे पहले लॉजिक, असेट मतलब डेबिट. डेबिट से बढ़ता है, क्रेडिट से कम होता है. डेबिट से बढ़ता है, क्रेडिट से कम होता है. उसके पहले यू नीड टू प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ द वर्टिकल बैलेंस शीट. इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड असेट. इक्विटी एंड लायबिलिटी में देयर इज शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी. शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल रिजर्व्स, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल. असेट के अंदर दो असेट है, नॉन करंट असेट और करंट असेट. नॉन करंट असेट में फिक्स असेट, करंट असेट में तीन है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. ये स्टैंडर्ड चीजें हैं. और भी चीजें आती है. देयर इज अ चैप्टर व्हिच इज कॉल्ड एज फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट्स में तो पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट मंत्र के साथ बाहर कराऊंगा, लेकिन अभी इधर मंत्र नहीं दे रहा हूं. समझ में आ रहा है क्या? वहां पे एक बार मंत्र दूंगा तो वो बाहर कर लेने का, और वही बैलेंस शीट को हर चैप्टर में चिपकाने का. अभी तो ठीक है ना यार, कर ही सकते हैं ना. इतना तो हमने प्रेफरेंस शेयर्स में भी किया था लास्ट ईयर. इसके लिए बोल रहा हूं कि ज्यादा फॉर्मेट पे नहीं बात करते. बेसिक क्लियर होना चाहिए कि बैलेंस शीट कैसे बनती है. जैसे कि सबसे पहले डेबिट बैलेंस है गुडविल. गुडविल दिया है 25,000 डेबिट. गुडविल डेबिट. गुडविल ढूंढो, ढूंढो, ढूंढो रे गुडविल को ढूंढो. अरे क्रेडिट 25,000. सो डेबिट माइनस क्रेडिट कैंसल. इजी क्या? अभी इतना भी नहीं समझ में आएगा तुम लोग को तो एक काम करो, क्लास में आ जाओ. क्लास में बैठ के उंगली पकड़ के समझाओ, और तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इससे इजी मैं कुछ नहीं करा सकता हूं. आगे पेटेंट्स डेबिट 15,000. पेटेंट्स डेबिट ढूंढो, ढूंढो रे पेटेंट्स को क्रेडिट 15,000. भगवान करे सब कट ही जाए, कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़े. आगे चलते हैं. फर्नीचर 35 डेबिट. फर्नीचर क्रेडिट 10,000. पोस्टिंग आएगा. फर्नीचर डेबिट 35 है, क्रेडिट में 10 है. तो 35 माइनस 10 कितना बचा? 25 बचा ना. तो वर्किंग नोट नंबर 1, किसका वर्किंग नोट बनाएंगे? पहला फिक्स्ड असेट, बिकॉज़ फर्नीचर एक फिक्स्ड असेट है. जिसको नहीं मालूम था फर्नीचर फिक्स्ड असेट है, सुन लो ना, फर्नीचर फिक्स्ड असेट है. मालूम पड़ा, ठीक है, बस हो गया, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का. फर्नीचर कितना है? फर्नीचर है 35 लेस रिडक्शन ड्यू टू रिकंस्ट्रक्शन 10, 25, 15, 25. आगे सुनेगा. प्लांट एंड मशीनरी सेला. डेबिट. क्रेडिट से कम हो जाए. ढूंढो रे प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट. चोकड़ी. प्लांट एंड मशीनरी चोकड़ी. डेबिट क्रेडिट कैंसिल. आगे चलते हैं. लैंड एंड बिल्डिंग 6,50,000 डेबिट. 6,50,000 डेबिट. ढूंढो रे लैंड एंड बिल्डिंग. ढूंढो, तुम लोग भी ढूंढो, मैं इधर खाली ढूंढने के लिए नहीं.
इधर लैंड एंड बिल्डिंग है 6,50,000 डेबिट है और इधर लैंड एंड बिल्डिंग 70,000 क्रेडिट है, तो इधर भी लिखने पड़ेगी लैंड एंड बिल्डिंग 6,50,000 लेस रिडक्शन, कितना रिडक्शन 70, 6,50,000 - 70 कैलकुलेटर पे करो जरा, 6,00,000 में से 20 गए तो 5,80,000 कोई बोलेगा क्या, 5,80,000 कोई नहीं बोलता है। आगे चलते हैं स्टॉक डेटर्स बिल्स रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस, अभी फिक्स असेट कितने ही थे, दो ही फिक्स असेट थे और कोई फिक्स असेट था क्या, फिक्स असेट दो ही थे ना, मतलब इसमें ही देखो ना इसमें ही नहीं है ना, तो 5,80,000 + 25 6,05,000 फिक्स असेट, वर्किंग नोट नंबर 1 है कितना 6,05,000 कौनो तकलीफ। आगे चलते हैं स्टॉक 80 डेबिट यस क्रेडिट 12 तो इन्वेंट्री है ना मतलब स्टॉक, तो 80 - 12 80 - 12 = 70 68,000 क्या है यार इसमें, हार्ड है क्या, इजी है फिर भी कल भी ऐसे ही करूंगा, ऐसा इजी स्टेप्स ही करूंगा, समझ में आएगा तो अच्छा है और ये वीडियो लास्ट तक काम आएगा, समझ में आ रहा है क्या, नेक्स्ट सेमेस्टर में भी काम आएगा देख लेना। आगे चलते नेक्स्ट सेमेस्टर का आएगा, यही सेमेस्टर का ठिकाना नहीं है क्या होने वाला है, कोई कुछ बता रहा ही नहीं है क्या होने वाला है, ऊपर से सेम 6 का एग्जाम लेने वाले हैं एमसीक्यू में, एमसीक्यू मतलब क्या, मतलब डेंजर, अभी जाने तो बाद में तुम लोगों को बोलता हूँ क्या होने वाला है, बेकार हर्ड क्लास। आगे चलते हैं डेटर्स 90 डेबिट क्रेडिट 10 तो डेटर्स 90 - 10 दैट इज 80 ट्रेड रिसीवेबल 80 डायरेक्ट लिख रहा हूँ बॉस। आगे चलते हैं बिल्स रिसीवेबल 15 डेबिट नहीं है तो 15 ना तो 80 + 15 दैट इज 95,000 इधर लिख दूं क्या, वर्किंग नोट नंबर 2 लिख देता हूं ना, ट्रेड रिसीवेबल में मैं लिखता हूं पहला डेटर्स कितना था 90 लेस रिड्यूस्ड कितना रिड्यूस 10 तो 80 प्लस बिल्स रिसीवेबल कितना है 15 - 15 = 25 टोटल 95,000 सेकेंड वर्किंग नोट से 95,000 है बराबर ना। आगे चलते प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 8,20,000 सो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट 8,20,000 गया, शेयर इश्यू एक्सपेंस डेबिट 45 तो शेयर इश्यू एक्सपेंस गया 45 क्रेडिट। अरे समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है, असेट साइड क्लियर हो गया क्या, इससे इजी क्या समझाओ यार, ये इजी है ना, ये इजी एक एक करके पकड़ के चल के हमने खत्म कर लिया। ओके आगे चलते हैं, असेट साइड खत्म हो चुका है, वी कम टू द लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल डिबेंचर उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है बाकी कुछ नहीं, तो नीचे से जाते हैं बिल्स पेबल 35 क्रेडिट से बढ़ेगा डेबिट से कम होएगा ढूंढो बिल्स पेबल डेबिट तो कम हो गया रे टेंशन खत्म ना, ऐसे ही होना चाहिए, कट मगजमारी नहीं। आगे क्रेडिटर 20 डेबिट मतलब ट्रेड पेबल तो 1,00,000 कितना था 40 - 20 मतलब 1,20,000 आगे चलते हैं नेक्स्ट बैंक ओडी डेबिट 50 बैंक ओडी बैंक ओडी डेबिट 50 कैंसल
वाह वाह, आगे चलते हैं। 12% डिबेंचर्स 7,50,000 क्रेडिट, 12% डिबेंचर्स 7,50,000 डेबिट। अरे माँ, 12% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज इक्विटी शेयर्स 10,00,000 क्रेडिट, इक्विटी शेयर 10,00,000 डेबिट। ओके, आगे चलते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स 4,00,000 क्रेडिट, प्रेफरेंस शेयर 4,00,000 डेबिट। दैट मींस योर बैलेंस शीट का काम इज ओवर। दैट मींस ओवर। नाउ द रिमेनिंग आइटम्स, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,00,000। सो आई विल राइट वर्किंग नोट नंबर इज 3333 इज शारे का फीचर, शेयर कैपिटल। इसमें आई राइट 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हाउ मच क्रेडिट 2,00,000। ओके, और कुछ है 10% प्रेफरेंस शेयर? 10% प्रेफरेंस शेयर नहीं, एक ही है, तो आउटर कॉलम में ले लो इसको 2,00,000। लिख दिया इसको क्रेडिट है ना, तो लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट कैपिटल में लिखता है। नेक्स्ट इज इक्विटी शेयर कैपिटल 2,00,000 क्रेडिट, इक्विटी शेयर कैपिटल 2,00,000। ये कितने रुपए का है? 50 रुपीज का। ये कितने रुपीज का है? 2 रुपए का है। टोटल शेयर कैपिटल इतना ही है ना, शेयर कैपिटल, और कुछ शेयर कैपिटल नहीं है। टोटल इज 4,00,000। अभी है ना, जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते हैं ना, तो यू हैव टू राइट, सपोज ये 2 रुपए का है, मतलब 1,00,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 2 each फुल्ली पेड। सिमिलरली इधर भी लिखना पड़ेगा, सो 2,00,000 डिवाइड बाय 50 करेंगे ना, तो आएगा 40,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 50 each फुल्ली पेड, सॉरी 4,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 50 each फुल्ली पेड, ऐसा लिखना पड़ेगा। लिखेंगे ना तुम लोग, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 4,00,000 शेयर कैपिटल। आगे चलते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस कैलकुलेट। इधर पहले देख लेते हैं ना, डिबेंचर्स इज अ वर्किंग नोट नंबर 4, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसमें 14% डिबेंचर्स, हाउ मच 1,00,000। और कुछ है क्या? हाँ, 12% लोन इज ऑल्सो बोरोइंग, 12% सिक्योर्ड लोन is also borrowing 1,50,000, so total will be 2,50,000 long term borrowing, working note number, this is working note number 3, this is working note number 4, how much? 2,50,000. Okay, next bank account, capital section chhod do, bank account working note number 5, cash and cash equivalent bank। पहले क्या है, लोन लिया हमने, लोन लिया कितने का? डेबिट 1,50,000 डेबिट है ना, तो डेबिट डेबिट से बढ़ता है, क्रेडिट से कम होता है, ये डेबिट हो गया। अभी क्रेडिट 35,000, बिल्स पेबल पेड लेस बिल्स पेबल पेड, हाउ मच? 35,000 क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट डिविडेंड पेड लेस प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, हाउ मच? 40,000 क्रेडिट। नेक्स्ट वापस है क्रेडिट, 15,000 कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड, हाउ मच? 15,000। नेक्स्ट फिनिश ना, नेक्स्ट बैंक, बैंक यस बैंक लेस बैंक ओवरड्राफ्ट पेड, हाउ मच? 50,000। बाप रे, बचेगा क्या? 1,50,000 माइनस 50 1,00,000 माइनस 90 10,000, 10 बचेगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 10,000 वर्किंग नोट नंबर 5। अरे बराबर समझ में आ रहा है क्या? इजी लग रहा है ना ये? बराबर से वर्किंग नोट कॉपी कर लो। अभी कौन सा कुछ बचा? कैपिटल रिजर्व यस, कैपिटल रिजर्व इज रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल रिजर्व 8,000।
capital reserve. This will be 4,08,000. Okay? अभी कुछ बचा है? अगर कैपिटल रिजर्व लिख दिया ना तो ये कैपिटल डिडक्शन सब खत्म हो गया, तो सब खत्म हो जाएगा ये, क्योंकि उसका बैलेंस ही लिख रहे हैं ना, ये सब खत्म हो जाएगा. दैट मींस कुछ बचा ही नहीं है अभी. क्लियर है? एक बार टैली करके देखते हैं टैली होता है क्या. 4,08,000, 6,58,000, 7,78,000 इधर 1,05,000 + 60,000, 1,65,000, 1,73,000 7,78,000 tally हो रहा है. Okay, with this we stop.